हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RBI सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश के क्वेश्चन सेट को, और ये सेट नंबर 21 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस को, टॉप 10 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार आपके डेली वीडियोज आ रहे हैं रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के, जिसे आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर उस वीडियोज को देखिए, क्योंकि RBI सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए कि जितने भी नोटिफिकेशन रहे आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फिलर्स क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है? फिलर्स क्वेश्चंस कह सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी एक तरह से कह सकते हैं। क्या कह रहा है? वेट हियर, इंतजार कीजिए यहां। क्या होगा? टिल आई कम बैक होगा, अंटिल आई हैव कम बैक होगा, अनलेस आई रिटर्न बैक, या व्हाइल आई कम बैक। तो क्या हो जाएगा? वेट हियर टिल आई कम बैक, इंतजार करो यहां पे जब तक मैं आ ना जाऊं, ठीक है। तो टिल आई कम बैक इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको देखना है क्या यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। कैन यू लेंड मी अ पेंसिल प्लीज, इसके बाद आप क्या बोलिएगा? जैसे आपसे कोई बोल रहा है, क्या आप मुझे एक पेंसिल दे सकते हैं कृपया करके, इसके बाद क्या बोलिएगा? यस यू कैन, यस हियर यू, यस हियर इट इज, या यस हियर, क्या हो जाएगा? तो कहे आप पेंसिल लीजिएगा और कहिएगा यस हियर इट इज। क्या कहिएगा? यस हियर इट इज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सत्य आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कौन सा परम सत्य बिल्कुल सही स्पेलिंग है इसका। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे वेटनरी दिया हुआ है, वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सक। क्या होता है? पशु चिकित्सा, चिकित्सा होता है, ठीक है ना। अगर इसका बात करें ना, तो वेटनरी का स्पेलिंग क्या होगा? तो VETRINARY, वेटनरी, वेटनरी हो गया। अगर इसके आंसर का बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर, VETRINARY, वेटनरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ चांसलरी। चांसलरी का स्पेलिंग क्या होता है अगर बात किया जाए? चांसलरी से प्रोनाउंस करते हैं, और इसका स्पेलिंग अगर बोला जाए ना, CHANCELLERY, चांसलरी। चांसलरी को हिंदी में भी चांसलरी ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेट इज राइट आंसर, चार का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं सिनोनिम्स पे फ्रेंड्स। सिनोनिम्स आप जानते हैं, सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है इसका? अगर कहें तो नियरेस्ट इन मीनिंग कहते हैं, नियरेस्ट इन मीनिंग, या कहें तो सेम मीनिंग कहते हैं, सेम मीनिंग, और हिंदी में अगर कहा जाए तो पर्यायवाची शब्द भी इसे कहते हैं, ठीक है। दिया हुआ क्या है? माइजरेबल, मिजरेबल है। मिजरेबल मीन्स क्या होता है? तो मिजरेबल मीन्स होता है दुखी। क्या होता है? दुखी, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो तुच्छ होता है, तुच्छ, कम, ये सब आपका क्या होता है? मिजरेबल का होता है। अगर इसका बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या दिया? वस्तु, वस्तु। ऑब्स्ट्रक्ट का अगर बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, व्हाई आर यू ऑब्स्ट्रक्टिंग मी टू डू दिस वर्क, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो, बाधा डाल रहे हो इस कार्य को करने में, ठीक है। एब्जेक्ट का अगर बात करें तो एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? भयानक होता है, घृणित होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको स्पेलिंग भी याद करना है, ABJECT। एब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया? नीच हो गया, घृणित हो गया, घृणित, एब्जेक्ट, भयानक हो गया, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है साइनोनिम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट का अगर बात करें तो पहला तो सार आपको बताया मैंने, फिर आपका क्या हो जाए? संक्षेप भी हो सकता है। क्या हो सकता है? संक्षेप, संक्षेप, और फिर निराकार भी हो सकता है, ठीक है, निराकार, ओके। अब आपका क्या है, देखिए इसका क्या कह रहा है। मिजरेबल मीन्स दुखी होता है, दुखी हो गया, भयानक हो गया, तो ये आपका मिजरेबल को अगर कहा जाएगा ना, तो दुखी आपके ऑब्जेक्ट का भी मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोट है। कोट मीन्स क्या होता है? QUOTE, स्पेलिंग याद रखना है, QUOTE, कोट। कोट मीन्स क्या होता है? हवाला देना कह सकते हैं, हवाला, या क्या कह सकते हैं? उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं? उदाहरण। और अगर साइट का बात करें तो साइट मीन्स क्या हो गया? साइट मीन्स हो जाता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि हो गया साइट मीन्स। साई मीन्स बात करें ना, SIGH, साई मीन्स क्या होता है? विलाप होता है, विलाप। SUE, सू का बात करें तो मुकदमा चलाना, आई विल सू इन कोर्ट। बहुत सारे मूवीज में भी देखे होंगे ना, या बहुत कोई कहता है आई विल सू यू इन द कोर्ट।
इसका मतलब मैं तुम्हें क्या करूंगा, कोर्ट में देख लूंगा, ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगा, मुकदमा चलाऊंगा, यही हुआ मतलब मुकदमा चलाना, ठीक है। सीआईटी साइट का अगर बात करें तो साइट मीन्स क्या होता है, अदालत से तलब करना, तलब करना, बुलावना, अदालत से तलब करना, करना, प्रमाण करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर। सिक्स का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोर्ट का क्या होता है, सीआईटी साइट हो जाता है, दैट इज प्रमाण करना। चलते हैं फ्रेंड्स सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवें नंबर क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स जिसे कहते हैं। अब एंटोनिम्स का अगर बात करें फ्रेंड, तो एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, एंटोनिम्स होता है अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग कहते हैं इसे, जिसका अगर हिंदी में कहा जाए ना तो हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक, विपरीतार्थक सब बोलते हैं, ठीक है। सब वर्जन का अगर बात करें फ्रेंड, तो सब वर्जन मीन्स क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसका पहले स्पेलिंग आपको देख लेना है, एस यू बी वी ई आर एस आई यू एन होता है सब वर्जन, जिसका मतलब होता है विनाश, विनाश होता है नाश करना होता है, विनाश करना, नाश करना, समाप्ति भी कह सकते हैं, समाप्ति, ठीक है। डिस्टेबिलाइजेशन का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है अस्थिरता, क्या होता है अस्थिरता, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें क्लैरिटी का बात करें, स्पष्टता होता है, स्पष्टता, ओके। कॉम्पाइलेंस का बात करें ना फ्रेंड, तो कॉम्पाइलेंस मीन्स क्या होता है, अनुपालन करना, अनुमति देना, अनुपालन करना, अनुमति देना, ठीक है। और सैनिटी का बात करें, सैनिटी मीन्स होता है मानसिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य। तो यहां पे आपसे क्या पूछा, यहां आपसे पूछा है ना, आपसे एंटोनिम पूछा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबवर्जन में हो गया विनाश करना, मींस बातों का नहीं माना, कुछ उल्टा कार्य करना एक तरह से हो गया। तो अनुपालन मींस क्या हो गया, उस काम को सही तरीके से करना, कॉम्प्लियंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी एंटोनिम से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कॉर्सिव, कॉर्सिव मीन्स क्या हो जाएगा, सी ओ ई आर सी आई वी, कॉर्सिव मीन्स होता है बलपूर्वक या प्रतिरोधी, क्या होता है बलपूर्वक, पूर्वक या प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, ओके। जो भी मैं मीनिंग लिखवाता हूं उसे जरूर नोट डाउन किया कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर डेली के वीडियोस आप मेरे देखिएगा ना, तो आपके इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है, देखिए स्पेलिंग्स भी देखते जाएगा, पी आर ओ जी आर ई डब्ल एस आई वी। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है, प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील। प्रोमोटिंग अगर बात करें, प्रोमोट करना, बढ़ावा देना, को बढ़ावा, बढ़ावा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपिनियोनेटेड मीन्स क्या होता है, ओपिनियोनेटेड का अगर बात करें तो स्वच्छंद होता है, क्या होता है स्वच्छंद। और जेंटलमैन तो आपको पता है सज्जन होता है, सज्जन। देखिए जो बलपूर्वक अपना कार्य करवाता है वो क्या हो जाएगा, कॉर्साइव हो जाएगा, और जो सज्जन व्यक्ति होता है ना वो आराम से प्यार से बोल के करवाएगा कोई भी काम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आठ का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी फ्रेज का छोटा सा फॉर्म या किसी वर्ड का छोटा फॉर्म उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एब्रीविएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप। जैसे अब कैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीओ क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं ना, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसी का आपसे पूछेगा एब्रीविएशन क्या है, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीपीओ नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू एच ओ आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू एच ओ ये एब्रीविएशन है, अगर इसका फ्रेज अगर बोला जाए या फुल वर्ड बोला जाए तो क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी प्रकार आपको समझना है ये एब्रीविएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ये क्या है, एब्रीविएशन है, क्या है, संक्षिप्त रूप है, संक्षेप है, संक्षिप्त, या कहे तो संक्षेप हो गया, संक्षेप, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट स्पीच बाय समवन, पहला स्पीच दिया था ना, भाषण दे दिया था किसी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेब्यू कहते हैं, प्रथम प्रवेश कहते हैं। देखिए डेब्यू क्या होता है ना, अब मैं आपको ये सुनाता हूँ, जैसे कोई भी नया एक्टर आया, ठीक है, जो सबसे पहला मूवी आता है ना उसको कहते हैं डेब्यू मूवी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेब्यू मूवी कहते हैं, ओके। तो वैसे ही होता है। स्टोइक का अगर बात करें, स्टोइक मीन्स होता है उदासीन, उदासीन। मेडन का बात करें तो मेडन मीन्स होता है प्रथम होता है या नई होती है, नई, नई, ओके। और अगर वॉलंटियर का बात करें तो वॉलंटियर मीन्स आपको पता है स्वयं सेवक होता है, स्वयं सेवक,
ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट स्पीच बाय समवन, किसी के द्वारा जो पहला भाषण दिया था उसे क्या कहते हैं, उसे सिंगल वर्ड में हम लोग कहते हैं मेडन। मेडन वो वाला मेडन मत समझिएगा कि क्रिकेट में जो 6 बॉल में एक भी रन नहीं लगा तो वो मेडन बॉल हो गया, वो मेडन यहाँ यूज नहीं होगा। ये मेडन क्या है, ये मेडन हो गया प्रथम या नई हो गया, फर्स्ट स्पीच बाय समवन हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जो रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लेना है और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबा दीजिए कि डेली इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी सर्विसमैन है, जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आप सभी का है, आप सभी के लिए ये चैनल मेहनत करता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि डेली एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज मैं डालता रहूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।